तो कहानी की शुरुआत होती है एक हफ्ते पहले, जब सारे बॉन्ड मेंबर्स अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक ही तरह दिखने वाला पोस्ट डाल रहे थे जिसमें लिखा था कमिंग सून, यानी कि कुछ तो आ रहा है। तो वो पोस्ट देखने के बाद कुछ लोगों को लगा कि हम सीजन 2 में कुछ नेदर में करने वाले या फिर नेदर इवेंट करने वाले, बट कुछ लोगों ने अपने दिमाग में शार्पनेस 5 का इंचांट लगा के पता लगाया ये तो बॉन्ड एसएमपी सीजन 3 है। तो सीजन 3 की शुरुआत हुई एक धमाकेदार इंट्रो के साथ। वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ए श्याम, ए पागल मत बन, वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। अच्छा ये वो इंट्रो नहीं था क्या? मतलब कुछ ऐसा ही हो रहा था ना उस इंट्रो में। तो सीजन 3 की शुरुआत हुई इंट्रो के साथ, और इंट्रो के बाद सब लोग अपने अपने बेस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें इस बार मिडवेल थीम टाइप बेस बनाना था जिसके लिए यूज करने थे नेदर के ब्लॉक, क्योंकि इस बार सीजन 3 नेदर पे बेस है। तो सब लोगों ने अपना बेस बनाया, और तुम्हारे भाई ने भी बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी था। और तुम्हारे भाई ने फर्स्ट एपिसोड अपलोड भी कर दिया। अपलोड करने के कुछ ही घंटे बाद तुम्हारे भाई को साक्षात मोजाक की तरफ से कॉल आया। तो वो लोग बोले हमने आपका बेस देखा जो कि मिडवेल थीम टाइप था, और हमें वो बेस बहुत ही ज्यादा ओपी और यूनिक लगा, तो उसके लिए हम आपको एक अवार्ड देना चाहते हैं जो आपको लेने आना पड़ेगा। तो मैं तो भाई खुशी से पागल हो गया। मैंने पूछा कि मुझे कहाँ पर आना है, तो उन्होंने पता कुछ इस तरह बताया। इधर बोले तो शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने, और मैं 3 दिन से ये पता ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला। प्लीज कोई बताओ यार ये किधर है, मुझे मिल ही नहीं रहा, मुझे मेरा अवार्ड लेना है यार। Hey survivors, this is JH Gamer, और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बॉन्ड एसएमपी सीजन 3 के सेकंड एपिसोड में। और मुझे नहीं पता ये मेरे साथ कौन है। तो गाइस आज के एपिसोड में जो है मैं करने वाला हूँ 100 विलेजर्स को ब्रीड। तो अभी आप पूछोगे किस लिए, मुझे भी नहीं पता किस लिए। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे फार्म्स दिखाऊंगा जो भी मैंने और फेबकान ने बनाया है, और उसके बाद हम फेबकान की थोड़ी मदद करेंगे गोल्ड फार्म के लिए, और उसके बाद हम बनाएंगे एक उल फार्म, क्योंकि हमें 100 विलेजर्स ब्रीड करने हैं तो हमें चाहिए 100 बेड्स। तो ये सर आज का प्रोसेस रहने वाला है, तो शुरू करते हैं। होल्ड अप, वेट अ मिनट। तो गाइस ये है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब जहाँ पे मेरे और फेबकान के सारे फार्म्स रहेंगे जो कि हम दोनों यूज कर सकते हैं। तो अभी इस तरफ बनने बाकी है, तो इस तरफ ऑलरेडी कुछ बन के तैयार है, तो इन्हीं को मैं बताने वाला हूँ हमने क्या क्या बनाए हैं। तो गाइस हमारे सबसे पहला फार्म है एक ऑटोमेटिक बोन मील फार्म। तो दूसरा है हमारा स्टोरेज एरिया जो कि अभी पूरी तरह से बना नहीं है, बनना बाकी है, और ये पिग फेबकान के पीछे लगा है क्योंकि उसके हाथ में है कैरेट। तो ये है हमारा स्टोरेज एरिया। तो गाइस ये रहा फेबकान के द्वारा बनाया गया एक और आविष्कार जो कि है ऑटोमेटिक शुगर कैन फार्म, और पता नहीं फेबकान हर सीजन में ये क्यों बनाता है। तो नेक्स्ट है हमारा सेमी ऑटोमेटिक व्हीट फार्म जो कि फेबकान ने बनाया है, सारा भाई उसी ने बनाया भाई। तो अभी हमें फेबकान की थोड़ी सी मदद करनी है, जो मैप में देख रहे हो जो पेड़ पौधे उनको काटना है, क्योंकि वहां पर हमारा बनने वाला है गोल्ड फार्म मेरा और फेबकान का। दो जो पेड़ पौधे आप देख रहे हो तो उसको काटना पड़ेगा, तो जो सामने है मेरे, तो उसके लिए हमें चाहिए ढेर सारे एग्स। तो मैं पहले जाके एग्स लेके आता हूँ। तो सबसे पहले अपना जो भी सारा फालतू सामान है वो रखो एक चेस्ट में, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर काफी सारे एग्स है, तो इसमें से मैं कुछ थोड़े ले लेता हूँ और शुरू करते अपना काम। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। We'll be right back.
अभी हमने फेबकॉन का जो है सारा काम कर दिया है, तो अभी बारी है वूल फार्म बनाने की। तो सबसे पहले हमें चाहिए दो शवल, मतलब एक चाहिए, एक फेबकॉन के लिए मैं बना दूंगा। तो हमें चाहिए एक शवल और उसमें मैं लगाऊंगा सिल्क टच इंचांटमेंट जो कि मुझे एक विलेजर दे रहा है। तो सबसे पहले दो शवल बना लेते हैं, एक मेरे लिए और एक फेबकॉन के लिए, और यहाँ से सीधा चलते हैं विलेजर के पास और उससे लेते हैं सिल्क टच। तो अभी मुझे जाके एक सिल्क टच का बुक लेना है क्योंकि मुझे जो है अपने वूल फार्म पर काम करना है, तो उसके लिए हमें सिल्क टच चाहिए क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए ग्रास ब्लॉक। तो इधर अंदर जो है मैंने बहुत सारे विलेजर्स को बंद करके रखा है जिनमें से एक लाइब्रेरियन है और वो मुझे दे रहा है सिल्क टच। तो मैंने एमरल्ड वेमरल जमा कर लिया, तो उसको जाके देंगे। ओ यहाँ पर है, दरवाजे में क्यों फंसे हो भाई? तो इससे लेंगे, ओ देखो दे भी रहा है, इससे हम लेंगे सिल्क टच और फेबकॉन, सीरियसली। तो अभी मुझे आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैं एक हॉर्सी को टेम करता हूँ जो कि मेरे सामने है। तो ट्राई करता हूँ इसको टेम करने को। गाइस फाइनली हमारा हॉर्सी टेम हो चुका है और इसको मैं पहना देता हूँ सैडल। और अभी आप मुझे कमेंट में बताना इस हॉर्सी का हम नाम क्या रखें, और जो नाम मेरे को पसंद आएगा वो नाम हम इस हॉर्सी को रखेंगे। तो अभी मैं सारा सामान लेकर आ चुका हूँ, जो भी मुझे उल फार्म बनाने के लिए लगने वाला है वो सारा सामान मैं लेकर आ चुका हूँ। और हमने इंचांट भी कर लिया है सिल्क टच, और बीच में फेफखान ने कॉल कर दिया था। तो यहाँ से जो है मैं बनाऊँगा एक वुल फार्म क्योंकि हमें 100 बेड चाहिए, तो वुल तो चाहिए ही चाहिए ज़्यादा। एक आखिरी शिप बचा है और यही है वो, और फंस गया। ठीक है, तो मेरा उल फार्म परफेक्टली तैयार है। तो मैंने इनको जो है डाल के रखा था, बट बीच में कुछ लोच हुए तो ये निकल के भाग गए यहाँ से। 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। तो बबलू हो गया मेरे साथ, बट मैंने इनको बाद में पकड़ लिया। तो अभी जो है हमारा ऑटोमेटिक उल फार्म टोटली बन के तैयार है। Help me. तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो है विलेजर्स को एक जगह पर ट्रांसफर करना है क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर जो है ये काम शुरू हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। तो कर रहा था, मैंने देखा है। तो देखो ऑलरेडी मेरे पास 11 वुल आ चुके हैं, तो ये हमारा ऑटोमेटिक वुल फार्म अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आपको ये बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जेसी प्लेस का, जाओ और जाके देखो और बना लो। तो अभी हमें बस जो है हमारे विलेजर्स को एक जगह पर ट्रांसफर करना है और वहाँ से हम शुरू करेंगे अपना ब्रीडिंग का काम। मतलब विलेजर्स करेंगे वो अपना काम और हम उनको जो भी बोलते हैं वो तो गाइस हमने ऑलमोस्ट सारा काम जो है ख़त्म कर लिया है और अभी बस बाकी है हमारा वीडियो का मेन गोल जो कि है 100 विलेजर्स। और जैसे हम 100 विलेजर्स करेंगे तो वीडियो होगी एंड। तो गाइस अभी मुझे पूरे 100 विलेजर्स के लिए जगह बनानी है, आपको भी पता है बहुत बड़ी जगह होने वाली है। तो वो जगह मैं जो है अंडरग्राउंड बनाने वाला हूँ क्योंकि बाहर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम वो जगह अंडरग्राउंड बनाएंगे क्योंकि अंडरग्राउंड बनाने में बहुत ही ज्यादा ईजी रहता है क्योंकि बस हमें डिग करना रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होगा अंडरग्राउंड होगा और मैं एक टनल भी बनाऊंगा विलेजर्स को लाने के लिए, और मैंने सामने ही ट्रैप करके रखे हैं। और तो पहले जल्दी से एक बहुत ही बड़ा एरिया बनाते हैं 100 विलेजर्स के लिए।
Meanwhile, तो मुझे अभी बस इन विलेजर्स को जो है मैंने जो जगह बनाई है वहाँ पर लेके आना है, शायद ये फंस के मरे ना। ओ नहीं नहीं नहीं, और ये लोग क्या कर रहे हैं इधर? भाई स्पाइडर ना है यार, बहुत ही ज्यादा दिमाग खाते हैं, बट कोई बात नहीं। तो इनको मैं दो को यहाँ पर लेके आया हूँ और मुझे और भी लाने हैं, और आई थिंक सो यहाँ पर चार लाने, और चार से हम तय करेंगे 100 का सफर। तो चार विलेजर्स से हमें 100 विलेजर्स करने हैं, तो इन दो को मैं यहीं रखता हूँ और हमारे लेके आता हूँ। ये मेरे साथ क्यों आ रहे भाई? अरे नहीं 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 नहीं, तो मुझे और दो लेके आने हैं। तो अभी मैंने इनके सारे बेड्स तोड़ दिए, ये लैक्टर्न भी तोड़ देता हूँ। और कहाँ जा रहे हो भाई, क्या हो गया अचानक से? अच्छा मैंने इनके सारे बेड तोड़ दिए इसीलिए दौड़। अरे भाई इधर क्यों जा रहा है, उधर ही जा, उधर ही विलेजर्स हैं। तो रुक 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 रुक, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ पर ट्रैप कर लेते ताकि ये जा ना पाए। अरे रुक जा भाई, कितना कूदेगा? अरे वो तो अभी मैं इसको पकड़ता हूँ, ये तो गया। और ये शिप का क्या मसला होता है मुझे पता नहीं चलता, ये आता क्यों नहीं है भाई? आ जा यार, इसको मतलब होल्ड करो तो ये अपने मतलब इसमें बिठा लेता है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो भाई मैं इसे यूज, ओ चाकू से जल्दी हो जाता है, मतलब शॉर्ट से जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं जो है इसको पकड़ के लेता हूँ। कहाँ गया? अरे सर क्यों डर रहे हो आप? कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। तो ठीक है, ये बड़ी बात है, बढ़िया बात है, क्योंकि ये आ गया। तो इसको जो है यहाँ से लेके चलते हैं। आ जाओ सर, हेलो। तो इसको तोड़ देता हूँ मैं, इसीलिए ये नहीं आ रहा शायद से। तो अभी आ जाओ, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत तो नहीं है, आई थिंक सो कुछ दिक्कत नहीं है। ओ ठीक है, तो आ गया। और ये वापस क्यों आ गया? ओ दोनों बैठ गए, अच्छी बात है। तो इनको ले ऊपर कौन है? ओ भाई ये आ गया भाई, ये कोई तो बंदा आ गया। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ी हमारी मदद भी करेगा। तो इनको मैं जो यहाँ, नो गॉड, no god please no 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 what भाई साहब नहीं नहीं। पहली फुर्सत में निकल, हाँ अब आजा भाई, तू सबको मारने के बाद अब आजा भाई। हमारे दो विलेजर्स मर चुके हैं, ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। और भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, दो विलेजर्स मर गए भाई, मैंने कितनी मुश्किल से उनको लाया था यार। तो गाइस कोई बात नहीं, अभी हमारे पास और दो विलेजर्स बचे हुए हैं, और आपको बताया बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, और दो काफी है हमारे लिए।
Meanwhile, तो अभी मुझे फेफकान ने बताया कि उसने जो है दो विलेजर्स को ब्रीड किया है और चार बन गए हैं। तो अच्छी बात है, चार विलेजर्स हो गए तो जल्दी 100 हो जाएंगे। और मुझे डर लग रहा है भाई, कब हो गए 100? तो भाई हमें 100 विलेजर्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फूड चाहिए। तो ये है हमारा सेमी ऑटोमेटिक वीट फार्म, मतलब हमें ही करना पड़ता है सारा काम। तो ये कुछ नहीं करता, सिर्फ पानी डालता है। तो अभी मैं जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब सीड्स लगाने वाला हूँ, क्योंकि हमें वीट जो है बहुत ही ज़्यादा चाहिए। गाइस अभी जो है यहाँ पर 10 विलेजर्स हो गए हैं, आई थिंक सो उससे ज्यादा ही हुए हैं। तो 10 तो हो गए हैं इधर अभी। अभी मैं जाके देखता हूँ कितने विलेजर्स हो गए, क्योंकि पिछली बार मैंने उनको बहुत ही ज़्यादा खाना देके मैं यहाँ से चला गया था। और मुझे बहुत सारे दिख रहे इधर, तो पहले मैं इनको देखूँगा नहीं, तो पहले हम बेड लगाएंगे फिर उसके बाद इनको गिनेंगे। तो देख, अरे ओ भाई बहुत ही ज़्यादा बच्चे हो गए इधर, तो मैं बाद में गिनूँगा। तो पहले हम जो है बेड लगाते हैं। तो अभी मैं हमारी माइंड में आया हूँ कॉब वेब लेने के लिए, यानी कि स्ट्रिंग्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे जो है वूल बहुत ही ज़्यादा कम पड़ रहा है। तो हम स्ट्रिंग्स लेके जाएंगे यहाँ से, और स्ट्रिंग्स से बनाएंगे वूल, और वूल से बनाएंगे बेड्स। तो गाइस अभी हमारे पास टोटली 35 विलेजर्स है, और ये आंकड़ा जो है भाई बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है। और अभी हमारे पास टोटल 35 विलेजर्स हैं, और अभी देखते हैं और कितने बनते हैं। तो गाइस अभी लगभग 3 घंटे से मैं इनको जो है ब्रीड कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास जो है आई थिंक सो 50 विलेजर्स है, और ये आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। और उधर अंदर और थोड़े हैं, और ये 50 विलेजर्स हैं, और आई होप सो जल्दी से 100 होने वाले हैं। तो गाइस हमने फाइनली कर लिए है 100 विलेजर्स। तो भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, और थोड़ा सा लैग हो रहा है। तो भाई फाइनली हमारे पास जो है 100 विलेजर्स हो चुके हैं, और यहाँ पे ये 80 विलेजर्स है, और आजू बाजू के मैंने कुछ टर्नल्स बनाए हैं, वहाँ पे मैंने 10-20 विलेजर्स को रखे हैं। तो ऑफिशियली हमारे पास जो है 100 विलेजर्स जो है हो चुके हैं, और आज का गोल हमारा कंप्लीट हो चुका है। और वक्त आ गया है वीडियो को एंड करने का। और सबसे पहले आप पूछोगे कि मैंने 100 विलेजर्स ब्रीड क्यों किए। तो गाइस मैंने 100 विलेजर्स इसलिए ब्रीड किए क्योंकि हमें ढेर सारे मेंडिंग्स के बुक चाहिए रहेंगे, और ढेर सारे अलग अलग इंचांट के बुक चाहिए रहेंगे, जो कि हमें इंचांटमेंट टेबल से मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। और साथ ही साथ हम जो है आयरन फार्म भी बनाने वाले हैं, उसके लिए भी हमें विलेजर चाहिए रहेंगे। तो साथ ही साथ हम कुछ विलेजर्स को बेचेंगे भी, जिसको भी विलेजर चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा एड्रेस है डेजर्ट के बगल में विलेज के पास। तो आप हमसे जो है विलेजर्स खरीद के लेके जा सकते हो, आपको जैसा विलेजर चाहिए वैसा विलेजर मिल जाएगा, कितने लेवल का चाहिए वो मिल जाएगा, फार्मर लाइब्रेरियन जो भी चाहिए वो विलेजर आपको मिल जाएगा। हमारे पास लाइब्रेरियन नहीं मिलेगा, लाइब्रेरियन मिलेगा। तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा चूक रहा हूँ बोलने में। तो आई होप सो आज का हमारा गोल जो है कंप्लीट हो गया है, 100 विलेजर्स हमने कर लिया है। तो वक्त आ गया है वीडियो को एंड करने का, और भाई लिटरली मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ मैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो को एंड करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में ही कुछ हम ऐसा ही खतरनाक चीज़ करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, #Minecraft #BondSMP। टेंशन है फिर भी मसा देख कितने जना देख, तेरे भाई की बातें सारी डूब भाई गई इंडस्ट्री में तगड़ा।
तेरा मेरे घर चल बना दूं मैं गाने बंदे जाते हिल बीट किल ये गाना थोड़ा कैची जस्ट लाइक दे तू बंदा है झूठा तू बंदा है फेक तेरी बंदी का बर्थडे में लगी क्या केक वो कहती वासु ये करने की तुम्हें क्या जरूरत थी मैं तो पंडित जी के पास निकलवाने गई